तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका ACC डिफेंस एकेडमी में। और जिस तरह से हमने कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज बात करेंगे हम केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूलेस। तो यहाँ पे जब आप जनरल साइंस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनमें कॉमन नेम ऑफ आपका जो केमिकल फॉर्मूले हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, उनके क्या क्या यूजेस हैं उनके बारे में पूछा जाएगा और उनका क्या कॉमन नेम है। ये तीन क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कास्टिक सोडा के बारे में बात करेंगे। तो कास्टिक सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला है वो है NaOH। रॉक सॉल्ट हम किसको कहते हैं, जो सोडियम क्लोराइड आपका नमक है इसको हम रॉक सॉल्ट के नाम से जानते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है आपका ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होता है, जो आपका CO2 है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वार्ट्स, सिलिकन डाइऑक्साइड, SiO2, तो इसको हम बोलते हैं क्वार्ट्स। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, जो कि आप POP के नाम से जिसको जानते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट, CaSO4H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है, केमिकल नेम। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, और इसका जो फार्मूला है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, CaCO3। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2। ये नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि ये एकदम मिल्क की तरह दिखता है, ठीक है, इसका अपीयरेंस लाइक अ मिल्क। क्लोरोफॉर्म, जो कि आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेहोश वगैरह करने के लिए, तो ट्राइक्लोरोमीथेन, CHCl3 को बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, CaCIO2, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, NaHCO3। एंड वॉशिंग सोडा क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आपका बेकिंग पाउडर, और सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 10H2O, जिसको हम एज ए वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, जो कि डिटर्जेंट वगैरह में आपको देखने को मिलता है। फिनॉल, आपने देखा हो क्लीनिंग के लिए जो फिनॉल यूज़ की जाती है, कार्बोलिक एसिड होता है ये, C6H6O। एंड लॉफिंग गैस किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी के एग्जाम में आप देखेंगे कई बार आया हुआ है। लॉफिंग गैस क्या है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सॉल्ट पीटर किसको बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को, KNO3। और जो आपका विनेगर है, एसिटिक एसिड को एज अ विनेगर के नाम से जाना जाता है, CH3COOH, जो कि आप फूड वगैरह में यूज़ करते हैं, आपने यदि नूडल्स वगैरह खाए होंगे तो उसमें काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरॉल क्या है, propane 1,2,3-triol, C3H8O3, ये है आपका ग्लिसरॉल। और शुगर क्या है, सुक्रोस, C12H22O11। तो सुक्रोस आपका जो नॉर्मल आप शुगर यूज़ करते हैं उसका केमिकल नेम है। डोलोमाइट क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaMgCO3। और हेमेटाइट, जिससे कि हम आयरन निकालते हैं, ये एक टाइप का इसका और है, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, Fe2O3, इसको हेमेटाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है एस्प्रिन, जो कि टैबलेट मेडिसिन है आपकी, एसिटिलिक सैलिक एसिड, C9H8O4 को हम एस्प्रिन के रूप में जानते हैं, ठीक है। सेंड का आपने डिस्कस किया था, सिलिकन ऑक्साइड, SiO2। नेक्स्ट आपका वाइट विट्रोल, तो जिंक सल्फेट को बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, किसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट को। ब्लू विट्रोल बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट को। तो इसमें आपको याद रखना है कि वाइट के लिए जिंक यूज करें, ग्रीन के लिए फेरस, मतलब इसमें आयरन रहता है, FeSO4 7H2O, और ब्लू के लिए कॉपर। नेक्स्ट आपके इम्पोर्टेंट, ऑयल ऑफ विट्रोल किसको बोलते हैं, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रोल भी बोला जाता है। एंड H2SO4 को हम एक और नाम से जानते हैं, किंग ऑफ एसिड, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका फॉस्जिन, जो कि एक जहरीली गैस होती है, ठीक है, जब आप बात करेंगे क्लोरोफॉर्म एसिड को जब सनलाइट में छोड़ देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो फॉस्जिन में कन्वर्ट होती है, जो कि एक डेंजरस गैस बन जाती है। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है कार्बोक्सिलाइड क्लोराइड, CoCl2।
इसका आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट लाइम, तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। पोटास एलम, जो आपका पोटेशियम एलम, एलम आपका फिट कर ही रहता है, ठीक है। तो पोटास एलम क्या है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। नेक्स्ट है आपका जिप्सम, तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4 2H2O को बोलते हैं जिप्सम। और मीथेन आपका है जो कि मार्स गैस के नाम से जाना जाता है CH4। मीथेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको आता है कि माइंस में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा निकलती है जो कि डेंजरस होती है, ठीक है, तो वो रहती है आपकी मीथेन CH4। नेक्स्ट है आपका चिनावार, मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS को बोलते हैं हम चिनावार। नेक्स्ट है आपका विंटर ग्रीन ऑयल मिथाइल सैलिसिलेट C8H8O3। मोहर सॉल्ट किसके बोलते हैं? अमोनियम फेरस सल्फेट FeSO4NH4 2SO4 6H2O। और जो आपका लिथार्ज है रेड और मैसिकोट येलो, ये होता है लीड ऑक्साइड एंड लीड मोनोऑक्साइड PbO। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके लास्ट वन है ब्रोमोफॉर्म क्या होता है? CHBr3, आइडोफॉर्म CHI3, CFC12 फेरोन, तो डाईक्लोरोफाइड लिनो मीथेन। तो जिस तरह से आपके क्लोरोफॉर्म होता है, ब्रोमोफॉर्म आइडोफॉर्म सेम है, केवल इसमें CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म होगा। यदि ब्रोमोफॉर्म पूछा है तो वहाँ पे Br यूज हो जाएगा, आइडोफॉर्म के लिए आइडीन, तो CHI3 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका नया बैच है मई का, वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका सपना है अफसर बनने का, उसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो लास्ट के 2 मंथ बचे हुए उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसमें आपके क्वेश्चंस सारे कवर होने चाहिए, इम्पोर्टेंट MCQ वन लाइनर्स। तो उसी के लिए हमने आपका जो इम्पोर्टेंट बैच है ACC 13132 का न्यू बैच, वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलने वाले हैं, डेली लाइव क्लासेस रहेंगे आपकी 9 से 11, एंड PYQ एंड मॉक टेस्ट रहेंगे। जो नोट्स रहेंगे उसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट ओनली फॉर ACC एग्ज़ाम के लिए हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, जब आपका मन करे उस टाइम पे आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। साथ में जो आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, इन केस आपकी ड्यूटी आप अटेंड नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट डे उसकी एप्लीकेशन पर आपको लाइव क्लास मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट की स्पेशलिटी ये है कि आप मॉक टेस्ट हर वीक में अटेंड करेंगे, और जैसे ही आपके मॉक टेस्ट अटेंड करते हैं तो उसके आधार पर आपका असेसमेंट किया जाएगा, और जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। PYQ लास्ट 5 ईयर्स के सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, लास्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट एनरोल करते हैं कोर्स में और अपनी तैयारी को यदि लास्ट तक आप कर रहे हैं, तो ये गारंटी हमारी है कि आपकी जो रैंकिंग है वो विद इन 500 रहेगी। इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा, या फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर आप ACC 131 न्यू बैच पर क्लिक करके इसको एनरोल कर सकते हैं। यदि आप हार्ड बुकलेट्स प्रेफर करते हैं जिसमें आपको थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स एंड मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको मैसेज करना होगा 8120745966 पर, जो कि आपके एड्रेस पर विद इन 5 वर्किंग डेज में यूनिट में या फिर घर पर सेंड कर दी जाएगी। तो ऑर्डर करने के लिए ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू भी इसे एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।